अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपने किसी की झूठी कसम खाई है और आप तड़प रहे हैं प्रायश्चित करने के लिए, तो आज हम ऐसा प्रायश्चित का तरीका आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही साधारण है, जिसको करने से आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन आपकी मन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आप जिस अपराध बोध में घुट रहे हैं, अपने को परेशान कर रहे हैं, टेंशन में हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आपने भी झूठी कसम खाई है, तो इस तरीके से प्रायश्चित करने से आपको मुक्ति मिल सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप मेरे सब्सक्राइबर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है, वो हमेशा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें और सदा पनपते रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में हूँ। आप यदि परामर्श लेना चाहते हैं तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना होता है। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है आप नहीं जानते, इसलिए हमसे परामर्श अवश्य ही लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, हमें कमेंट द्वारा ज्ञात हुआ कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माता तक की झूठी कसम खाई है। किसी का भला करने की नीयत से कसम खाना अच्छी बात है, लेकिन झूठी कसम खाना सही नहीं होता किसी भी रूप में। झूठी कसम जिस व्यक्ति की आप खाते हैं, उसको कई तरह की मुसीबतें जीवन में आती हैं और उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं, सिर्फ आप। किसी को परेशान करना, किसी को मुसीबत में डालना अच्छी बात नहीं होती है। तो आपको, अगर आपने भी झूठी कसम खाई है, तो उसको उतारने का तरीका हम आप बता रहे हैं। आपको पूरे वस्त्र पहन लेने हैं और पूरे वस्त्र पहनकर स्नान करना है। उसके बाद उन वस्त्रों को किसी कुएं में या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आपका अपराध बोध समाप्त हो जाएगा और आपने झूठी कसम खाई है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको संभव हो तो उस व्यक्ति को जाके बता दें जिसकी झूठी कसम आपने खाई है, उस व्यक्ति को जाके बता दें कि उस दिन मैंने आपकी झूठी कसम खाई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। चरण स्पर्श करके माफ़ी मांगते हैं तो आपको प्रायश्चित का मौका मिलता है, लेकिन इतना साहस हर किसी में नहीं होता है। तो जो हमने तरीका आपको बताया, सारे कपड़े पहनकर स्नान करिए और उन वस्त्रों को कुएं में डाल दीजिए या नदी में प्रवाहित कर दीजिए, आपको प्रायश्चित हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु में है, पूजा पाठ में है, व्रत उपवास में है, न्यूमरोलॉजी में है, वास्तु में है, पामिस्ट्री में है, तो ये चैनल आप ही के लिए ईजाद किया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बनिए। सदस्य मतलब उस तरह से सदस्य नहीं जो मेंबरशिप वाला ज्वाइन बटन होता है, उस तरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ज्वाइन बटन हमने अभी ले नहीं रखा है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सदस्य बनने का मौका मिल रहा है। यूट्यूब फैमिली के बात कर रहे हैं हम, तो डॉक्टर उमाश्री फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको बस इसे सब्सक्राइब करना होता है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बहुमूल्य जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है, और अनेक तरह की विद्याओं में हम निपुण हैं। अपना बखान नहीं कर रहे, लेकिन सत्य है मित्रों, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं और आपको भरसक सिखाने का भी प्रयास करते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।